हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड विद केयर्स आज हम इस वीडियो में यूकेजी एंड क्लास फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईवीएस की एक वर्कशीट देखने वाले हैं तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट द स्पेलिंग्स इसमें कुछ स्पेलिंग्स हैं बॉडी पार्ट्स के आपको उनको कंप्लीट करना है जैसे एन ओ एस नोज एम ओ यू टी एच माउथ एल ई जी लैग एच एन डी हैंड नेक्स्ट देखिए मैच है कौन सा जो बॉडी पार्ट है वो किस काम आता है जैसे आईज टू सी नोज टू स्मेल टंग टू टेस्ट टीथ टू फूड ईयर्स टू हियर इस टाइप से नेक्स्ट देखिए सर्किल द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स इसमें जो वेजिटेबल्स हैं उन्हीं के नेम को सर्किल करना है जैसे मैंगो एप्पल अनियन तो इसमें से अनियन है कैबेज है टमैटो है ब्रिंजिल है एंड चेरी भी नहीं है बनाना नहीं है एप्पल नहीं है और मैंगो भी नहीं है तो ये हमारी जो चार हैं ये हमारी वेजिटेबल्स हैं नेक्स्ट देखिए सर्किल द दे लैंड ट्रांसपोर्ट्स जो भी हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट्स हैं उन्हें सर्किल करना है सिर्फ तो फर्स्ट बस इज ए लैंड ट्रांसपोर्ट देन एरोप्लेन नहीं है शिप भी नहीं है टैक्सी है बाइसिकल है बोट नहीं है स्कूटर है और कार भी हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट में आती है नेक्स्ट देखिए नेम द सीजन यहाँ पे एक पिक्चर है आपको पिक्चर को देख के आइडेंटिफाई करना है कि किस सीजन की ये पिक्चर हो सकती है तो डेफिनेटली ये रेनी सीजन की पिक्चर हो सकती है जिसमें देखिए रेन हो रही है और अम्ब्रेला भी दिखाया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द गिवन आइटम्स विद द करेक्ट कॉलम यहाँ पे दो कॉलम्स है कॉलम वन कॉलम टू एक में लिविंग थिंग्स है एक में नॉन लिविंग थिंग्स है इनके साथ आपको मैच करना है जैसे चेयर जो है वो जाएगी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स में प्लांट्स लिविंग थिंग मैन लिविंग थिंग ओके रबर नॉन लिविंग थिंग बलून नॉन लिविंग थिंग हाउस नॉन लिविंग थिंग रेड लिविंग थिंग एंड काउ इज ऑल्सो लिविंग थिंग मैच भी आ सकता है और सिंपल वे में आपको यहाँ पे नंबरिंग डाल के लिखवा भी सकते हैं ठीक है कि इस टाइप से जब आप एग्जाम में करते हैं ना तो बहुत मुश्किल होता है इसको चेक करना क्लियर नहीं होता है बार बार इरेज करके आप लोग इसको खराब कर सकते हैं दैट्स हो सकता है यहां पे जो बॉक्सेस आपको बना के दे दिए जाएं कि इनमें से जो लिविंग थिंग है उनको आपको इसके नीचे लिखना है और जो नॉन लिविंग थिंग है उनको यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट देखिए फिलिंग इन द ब्लैंक्स वी हैव डैश सेंस ऑर्गन्स फिलिंग इन द ब्लैंक्स में हो सकता है हेल्प बॉक्स दिया हो और हो सकता है नहीं दिया हो

इस टाइप से नेक्स्ट देखिए माई सेल्फ से भी क्वेश्चंस आते हैं माय नेम इज आपको यहाँ पे सारी अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है आई एम डैश ईयर्स ओल्ड माय नेम इज माय फादर्स नेम इज माय मदर्स नेम इज और डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है राइट फाइव लाइंस ऑन माय सेल्फ और ये ब्लैंक के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और साथ साथ में आपको ये ओरल में भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द पिक्चर्स यहाँ पे तीन पिक्चर्स हैं अब इसमें देखिए ये जो पूरा जो हम वर्कशीट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अगर यूकेजी जी के बच्चे हैं तो बहुत बार हो सकता है कि ये सारी चीजें उनसे ओरली पूछी जाएं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में जस्ट इतने बड़े जो स्पेलिंग्स है वो ना लिखा कर उनसे सिर्फ ओरल में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं तो वो भी हम अभी देखेंगे कि किस टाइप से ओरल में उनसे चीजें पूछी जाएंगी अगर पिक्चर दिया हुआ है तो वो सिर्फ उसको बोल सकते हैं इट्स अ लीफ इट्स अ बोट और फर्स्ट क्लास में हो सकता है उनको लिखने के लिए भी दिया जाए कि ये सन है इट्स अ बोट एंड इट इज ओके अगर यूकेजी में उनसे ओरल में पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द पिक्चर तो हो सकता है उनके क्लासरूम में या क्लासरूम के आस पास जितनी चीजें हैं उनमें से किसी को प्रैक्टिकल बेस पे पूछ सकते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड है डोर है विंडोज हैं या पूछेंगे कितने विंडोज़ हैं आपके इस क्लासरूम में इस टाइप से मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं ओरल में उसके बाद जो आपके फ्लावर्स हैं हो सकता है कि स्कूल के यहाँ वहाँ जो गार्डन्स होते हैं बॉटनिकल गार्डन्स उनमें कुछ लीव्स या उनके बारे में या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से बेटा ट्री आपको कौन कौन सी दिख रही हैं जो बिग प्लांट्स हैं ओके एंड फ्लावर्स के नेम भी नहीं तो उनके कलर्स आपसे पूछे जा सकते हैं एंड नंबर ऑफ आइज आपकी कितनी आईज हैं इस टाइप से ओरल में पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ सकता है वी हैव टू आईज ट्रू और फॉल्स वी हैव टू नोज़ ट्रू और फॉल्स इस टाइप से पूछा जा सकता है ओके okay, आपके जो स्कूल यूनिफॉर्म है उनके कलर्स पूछे जा सकते हैं उनके नेम्स पूछे जा सकते हैं एंड किस ट्रांसपोर्ट से आप स्कूल आते हो बाय बस बाय कार बाय बाइसिकल वो पूछा जा सकता है एंड और भी आपसे बेसिक भी पूछे जा सकते हैं कि नेम एनी टू वाटर ट्रांसपोर्ट्स एनी टू एयर ट्रांसपोर्ट्स ओके तो आपको ये क्वेश्चंस ओरल बेस पे भी प्रिपेयर करने हैं और साथ में अगर आपको रिटर्न आता है ईवीएस का पेपर स्पेशली फॉर क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको इसे प्रिपेयर करना है तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग